और स्थिर पानी की तस्वीरें जहन में आने लगती हैं। लेकिन उत्तराखंड के लोग तो अब झील और ग्लेशियर नाम से डरने लगे हैं। 2013 के केदारनाथ आपदा में ग्लेशियर और झील की जिम्मेदारी थी और उस आपदा के लिए वही जिम्मेदार थे। और 7 फरवरी को भी आपदा की वजह भी ग्लेशियर टूटने के बाद बनी झील ही त्रासदी की वजह रही और अब उत्तराखंड में एक नई झील नए खतरे की आहट बन गई है। ये रिपोर्ट देखिए आप। ये है श्रीनगर की खूबसूरत डल झील। ये उदयपुर की खूबसूरत पिछोला झील है और ये भोपाल की बड़ी झील है। इन झीलों में घूमकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा, लेकिन उत्तराखंड की झीलों से डर लगने लगा है। उत्तराखंड को झील से डर क्यों लगता है, उसके लिए आपको इन ग्राफिक्स को समझना जरूरी है। 2013 में केदारनाथ आपदा इसीलिए आई क्योंकि झील फटी थी। 7 फरवरी को जोशीमठ में आपदा आई क्योंकि ऋषि गंगा नदी में कृत्रिम झील फटी थी। और अब जोशीमठ में आपदा पार्ट 2 का खतरा है क्योंकि ऋषि गंगा में एक नई झील का निर्माण हो गया है। मतलब उत्तराखंड को खतरा है पहाड़ से नहीं बल्कि पहाड़ पर बनने वाली झीलों से। 16 जून 2013 की रात केदारनाथ मंदिर के पीछे की पहाड़ी पर चोराबाड़ी ग्लेशियर में भारी बारिश की वजह से झील भर चुकी थी। झील पानी का दबाव नहीं झेल सकी और फट गई, जिसके बाद पहाड़ से पानी तेज बहाव में नीचे उतरने लगा था। तब पहाड़ से प्रचंड वेग में बहता पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले जा रहा था। 7 फरवरी को जोशीमठ के तपोवन में आपदा की वजह भी एक झील ही थी। बस अंतर इतना था कि पहले हैंगिंग ग्लेशियर टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिरा, फिर ग्लेशियर और पहाड़ के मलबे से ऋषि गंगा नदी में एक झील बनी और बाद में वो झील फट गई, जिसके बाद झील का रौद्र रूप दिखा। 8 साल में उत्तराखंड में 2 त्रासदी आई क्योंकि झील फट गई थी। अब उत्तराखंड के वैज्ञानिकों ने ऋषि गंगा नदी में एक और कृत्रिम झील को बनते देखा है। शुरुआती जांच में ऋषि गंगा नदी में नई झील बनने की वजह 7 फरवरी को नदी के साथ बहकर आया पहाड़ का मलबा ही है। ऋषि गंगा नदी में पहाड़ों का मलबा एक जगह इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से ऋषि गंगा नदी की धारा रुक गई है और पानी एक जगह इकट्ठा होता जा रहा है। मुहाने पर जो सिल्ट आया है ऋषि गंगा से और जो रोथिंग गार्ड जो है तो उसको उसने पुश किया है, उसके कारण वहाँ पर लगभग एक 12 मीटर उसकी हाइट नज़र आ रही है, लेकिन पानी उसमें कितना है अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। पर्यावरण के जानकार मान रहे हैं कि हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में जो झीलें बन रही हैं उनकी निगरानी पर ध्यान नहीं दिया गया। 2013 केदारनाथ आपदा के तत्काल बाद झीलों और ग्लेशियर पर काम तो हुए, लेकिन वक्त के साथ इनकी निगरानी कम कर दी गई। हिमालय में ज्यादातर हिमालय की मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम तैयार होना चाहिए। हम लगातार हिमालय में जो तालाब बन रहे हैं उनको देखें, उनके बारे में विचार करें, वैज्ञानिक उनका विश्लेषण करें और समय से लोगों को जागरूक भी करते रहे। फिलहाल राज्य सरकार तपोवन में रैणी गांव के पास बने कृत्रिम झील के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है, लेकिन सरकार को जो भी करना है जल्द से जल्द करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट।